गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, आई एम योर कंप्यूटर टीचर. क्लास, इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टॉट अबाउट अर्ली कंप्यूटर्स एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर क्लासिफाई कैटेगरीज. माइक्रो कंप्यूटर आर फर्दर क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. हमारे माइक्रो कंप्यूटर जो हैं उनकी कुछ कैटेगरीज हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट है आपका पर्सनल कंप्यूटर, सेकेंड लैपटॉप कंप्यूटर एंड थर्ड टैबलेट पीसी, और फोर्थ आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे हम पीडीए के नाम से भी जानते हैं. पर्सनल कंप्यूटर, व्हाट इज पर्सनल कंप्यूटर? कंप्यूटर डेट्स यू कॉमनली सी दिस डे आर एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर. बच्चों, जो आजकल कंप्यूटर आप देख रहे हैं वो पर्सनल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल्स हैं. इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड पीसी. शॉर्ट में हम इन्हें पीसी कहते हैं. दे मेनली कंप्राइजेस ऑफ फोर यूनिट्स. ये चार यूनिट से मिलकर बनते हैं. सीपीयू बॉक्स कॉल्ड चेसिस, कीबोर्ड, वीडियो एंड माउस. ये चार इसके पार्ट हैं जिनसे ये बनते हैं. ओनली वन पर्सन कैन वर्क ऑन देम एट टाइम. इस पर एक व्यक्ति एक समय में काम कर सकता है. सो दे आर कॉल्ड सिंगल यूजर कंप्यूटर, जिसकी वजह से इन्हें हम सिंगल यूजर कंप्यूटर कहते हैं. और ओरिजिनली दे वर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर बाय आईबीएम. इन्हें आईबीएम के द्वारा डिज़ाइन किया गया है. लेटर दे बिकम पॉपुलर, अदर मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कॉल आईबीएम क्लोन्स. इसके अलावा इसको समय समय पर मैन्युफैक्चर किया गया था आईबीएम क्लोन्स के द्वारा, इसलिए हम आईबीएम क्लोन्स के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट आपका आता है लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप पॉसेसेस सेम कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज डेट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर. जैसे पर्सनल कंप्यूटर होता है, सेम कैपेबिलिटीज लैपटॉप में भी होती हैं. इन अपीयरेंस लैपटॉप कंप्यूटर लुक लाइक अ ब्रीफकेस. ये ब्रीफकेस के जैसा दिखता है. अपर पैनल ऑफ द ब्रीफकेस कंप्रेसेस ऑफ एलसीडी स्क्रीन. जो इसका अपर पैनल होता है लैपटॉप का वो एलसीडी स्क्रीन के जैसे होता है. लोअर पैनल कंटेन कीबोर्ड एंड अ माउस अरेंजमेंट. जो इसका लोअर पैनल होता है वो कंटेन करता है कीबोर्ड एंड माउस को. अदर कंपोनेंट्स एंड सर्कुलेटिंग रिमेन पैक इनसाइड द ब्रीफकेस. इसके अलावा जो भी इसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके ब्रीफकेस यानी कि लैपटॉप के अंदर पाए जाते हैं. दे आर डिज़ाइन टू बी लाइट इन अ वेट. ये डिज़ाइन किया जाता है, इसका जो वेट होता है बहुत लाइट होता है. दे रन ऑन अ चार्जेबल बैटरी. इसे हम बैटरी के द्वारा चार्ज कर सकते हैं. विच रिसाइड इनसाइड, जो कि इसके अंदर होती है. ड्यू टू देयर साइज वेट एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पावर फॉर टू और थ्री आवर्स पीपल कैरी देम व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार. चूँकि ये जो होते हैं वो साइज़ वेट एंड इंडिपेंडेंस होते हैं, इस वजह से इसे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी ट्रेवल के लिए यूज़ कर सकता है. आप इसे कार, ट्रेन या एयरप्लेन कहीं पे भी अपने काम के लिए ले जा सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका टैबलेट पीसी. टैबलेट पीसी इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर. माई कंप्यूटर फील्ड में टैबलेट पीसी लेटेस्ट डेवलपमेंट है. इट्स लुक लाइक अ लैपटॉप. ये लैपटॉप जैसा दिखता है. कंप्यूटर विद मैनी एडिशनल फैसिलिटी पैक विद इन सेम स्पेस. इसमें बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटी को डाला गया है. डिस्प्ले सिस्टम ऑफ टेबल पीसी वर्टिकली रोटेट बाय 1800. ये जो आपका टैबलेट पीसी होता है ये डिस्प्ले सिस्टम होता है. व्हेन रोटेटेड इट स्टार्ट एक्सेप्टिंग इनपुट थ्रू अ स्पेशल लाइट पेन. इसमें लाइट पेन के द्वारा हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करवा सकते हैं कॉल लाइट पेन, इसलिए हम इसे लाइट पेन के नाम से भी जानते हैं. वॉट एवर इज रिटन ऑन द टैबलेट पीसी, जो कुछ भी हम अपने टैबलेट पीसी में लिखते हैं विद द पेन, पेन की हेल्प से लिखते हैं. इन नेचुरल हैंड राइटिंग इज टेकन एज इनपुट. इसी को हम इनपुट के नाम से भी जानते हैं. सम ऑफ द टैबलेट पीसी ऑल्सो एक्सेप्ट वॉइस इनपुट. कुछ टैबलेट पीसी होते हैं जो वॉइस इनपुट के थ्रू यानी कि माइक्रोफोन के थ्रू भी हमारी चीज़ों को इनपुट करते हैं. वॉट एवर इज स्पोकन इन फ्रंट ऑफ दैम, जो कुछ हमें बोलना होता है इसके सामने बोलना होता है. इट कन्वर्टेड इन टू द टेक्स फाइल, जो फिर उसको ये टेक्स फाइल में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आर वेरी स्मॉल कंप्यूटर देन फिट विद इन अ पाम. ये बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं और हमारी पाम यानी कि हथेली पे भी आ जाते हैं. दे आर ऑफन ऑफ द साइज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर. साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसी इसकी साइज़ होती है. दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड पाम टॉप कंप्यूटर. यही रीज़न है कि इसे हम पाम टॉप कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं. दे आर मोस्टली यूज फॉर द स्टोरिंग एड्रेसेस. जनरली इनका जो इस्तेमाल होता है ये एड्रेस को स्टोर करने के लिए, टेलीफोन नंबर स्टोर करने के लिए, या फिर जो भी हमारे पर्सनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए करते हैं. दे कैन ऑल्सो भी कनेक्टेड टू हायर रेंज कंप्यूटर आइदर थ्रू अ केबल और वायरलेस लिंक्स. इसमें केबल और केबल वायरलेस लिंक दोनों के द्वारा ही हम इसे अरेंज कर सकते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ अ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. इसके द्वारा भी हम डेटा इन्फॉर्मेशन को बहुत आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है मॉडर्न कंप्यूटर्स.
मॉडर्न कंप्यूटर्स क्या होते हैं, लेट्स सी. द कंप्यूटर यू सी टुडे वर इंट्रोड्यूस इन 1982. 1982 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. दिस आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और पीसी, इसलिए हम इसे पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के नाम से जानते हैं. दिस कंप्यूटर आर फास्टर देन द अर्लियर वंस एंड ऑल्सो चीपर एंड स्मॉल इन साइज. ये जो कंप्यूटर थे पहले के कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़े से सस्ते थे और इसकी जो साइज थी वो स्मॉलर थी. पीपल जनरली यूज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. हमारे यहाँ लोग फॉलोइंग टाइप के मॉडर्न कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. इसमें आपका फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकेंड है लैपटॉप कंप्यूटर एंड थर्ड है पाम टॉप कंप्यूटर. अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिखाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड, साइज एंड मेमोरी. किसके अकॉर्डिंग? उसकी स्पीड, उसकी साइज और उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग पे इन्हें हम फोर टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर. अब देखिए इसमें फर्स्ट आपका क्या है, माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर या पीसी. माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के भी नाम से जानते हैं. अब ये देखो क्या क्या करता है. दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन. ये हमारे मानव जगत का बहुत ही ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है. दे आर पावरफुल मशीन, बहुत पावरफुल मशीन है. दे आर वाइडली यूज इन स्कूल, होम ऑफिस, शॉप एंड होटल. जनरली इनका इस्तेमाल स्कूल, होम ऑफिस, शॉप एंड होटल्स में किया जाता है. एग्जाम्पल क्या है, 664 एंड IBM PC. नेक्स्ट आपका है मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, दे आर बिगर इन साइज द माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर की साइज से ये बिगर होते हैं. सेवरल हंड्रेड यूजर कैन यूज इट एट द सेम टाइम. इसमें बहुत सारे लगभग 100 से ज़्यादा यूज़र एक समय में काम कर सकते हैं. इनके एग्जाम्पल में वैक्स कंप्यूटर PDP-8 एंड वैक्स कंप्यूटर PDP-8 दिखाया गया है. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, दे आर बिग कंप्यूटर विथ अ लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड. ये कंप्यूटर जो होते हैं वो बिग होते हैं. इनकी जो मेमोरी होती है वो लार्ज है ना हाई स्पीड की होती है. दे आर मेनली यूज बाई बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि बैंक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इनका हम यूज करते हैं. दे आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर. एग्जाम्पल में PDP-10, IBM 390. अब आपका इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, इन्हें भी देखिए. दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड के बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं. दे आर यूज्ड इन, जनरली इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग, जो भी हमारे वेदर से रिलेटेड फॉरकास्टिंग होती है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है. डिफेंस में यूज़ किया जाता है. स्पेस रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इनके एग्जाम्पल में प्रे एंड परम है. क्लास इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसकी एक्सरसाइजेस करवाएंगे. ओके क्लास, थैंक यू.